हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम जो चैप्टर नंबर 7 है ना क्लास 10th का, उसकी जो एग्जांपल है 7.1 एक्सरसाइज की, वो कर रहे थे। तो हमने एग्जांपल नंबर 3 तक कर लिया था। अभी हम जो इसका जो एग्जांपल नंबर 4 है वो देखते हैं। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7.1 एंड 3.5। तो इसने कोई भी एक पॉइंट बता रखा है, क्या वो है एक्स और वाई, और इसने ये दो पॉइंट और बता दिए 7.1, और ये बता रखा है कि वो इससे सेम डिस्टेंस पे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तो हमें ये चीज़ इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, तो ये हो गया P। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, तो ये हो गया A और ये हो गया B। A है 7.1 और B है कितना, 3.5। P बता रखा है इसने एक्स वाई, और हमें ये बताना है, ये जो ये बता रखा है कि दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं, A P से और ये B P से। तो हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, A P के और B P के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो, पहले तो निकालते हैं A P के बीच में और फिर B P के बीच में। फिर अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये देखेंगे कि ये दोनों हमें बता रखा है कि इनकी जो डिस्टेंस है ये सेम है, मतलब हमें ये चीज़ गिवन है कि जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है। तो अभी अगर हम इनका स्क्वेयर कर देंगे, ए पी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी पी का स्क्वेयर, तो इनका स्क्वेयर भी इक्वल होगा। तो अभी ए पी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, देन इसका सीधा स्क्वेयर कर देंगे। यहाँ पे रूट का कुछ नहीं है, अगर बाई चांस हमने यहाँ पे रूट लगा भी दिया, ये भी लगा दिया, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा ए पी स्क्वेयर इजिकल्स टू बी पी स्क्वेयर ही बचेगा। तो अभी देखो, इसके बीच में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये एक्स माइनस 7 का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वेयर, यहाँ पे बी पी के बीच में लगाते हैं। x माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वेयर प्लस 49 माइनस 14x प्लस, ये हो जाएगा y स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2y। ये हो गया इस साइड का। अभी ये करते हैं, x का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 2ab, तो माइनस 6x। ये क्या हो चुका आएगा, y स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 2ab, तो 10y। तो अभी देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x square, देखो x square से x square कट गया, y square से y square कट गया, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अभी जो सेम सेम है ना, उनको एक साइड कर लेते हैं, तो ये माइनस का 6x है, ये इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 14x, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा, और ये प्लस 49 है, 49, और ये यहाँ पे कितना है, 9 है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे, ये प्लस का 9, और एक यहाँ पे प्लस 1 भी बचा है, 49 प्लस 1 प्लस 9, सॉरी माइनस हो जाएगा, 9 इस साइड आएगा, तो माइनस 9 माइनस 25, और इतना बच गया। अभी यहाँ पे क्या बचा है, 2y बचा है, तो ये माइनस का 2y, और ये इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 10y, इतना हो गया, ठीक है। अभी हम इसको निकालते हैं, माइनस का 14x प्लस का 6x कितना बच गया, 14 और 8 बच गया, माइनस का 8x बच गया। तो देखो, ये माइनस का 8x, अभी यहाँ पे ये देखो 49 और माइनस का 9 40 बच गया, 40 और ये 41, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, ये 41 हो गया, 41 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस 16, ये बच गया प्लस का 16 होगा, यहाँ पे कितना बच गया, ये प्लस का 10y, तो ये हो गया प्लस का 8y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 8 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का x प्लस का y, और ये कितना हो गया, प्लस का
टू। तो ये हमारा टू को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का एक्स प्लस का वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। ये है जो हमें रिलेशन जिसकी जरूरत थी ना, वो ये रिलेशन है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल के इसको एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू टू ये भी लिख सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो ऐसे ही इसका जो एग्जाम्पल नंबर फाइव है वो निकालेंगे। उसमें क्या बता रखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम देखो इसने एग्जाम्पल नंबर फाइव में क्या बता रखा है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए सिक्स फाइव एंड बी फोर माइनस थ्री। तो इसमें भी हमें वैसे ही रिलेशन निकालना, लेकिन इसने यहां पे ना पीछे तो हमें पॉइंट बता रखा था एक्स वाई पीछे वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे इसने क्या बता दिया, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बता दिया। तो वाई एक्सिस पे है कोई भी पॉइंट, तो इसका मतलब जो सिर्फ वाई एक्सिस पे है वो एक्स पे तो कुछ है ही नहीं, तो इस पे एक्स वाला कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो वाई हो जाएगा। हमें पता है एक्स वाला हम हमेशा पहले लिखते हैं, तो एक्स का कोई वाई एक्सिस अगर यहाँ पे इसके अपोजिट हमें ये बता देता कि एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे बताता तो इसका मतलब क्या हो जाता, एक्स जीरो हो जाता। यहाँ पे इसने क्या बता दिया, ये पॉइंट बता दिया जीरो वाई, और इससे इक्वी डिस्टेंस पे इसने दो पॉइंट बता दिए। इसको हम ले लेते हैं पी, इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी। तो ए वाला बता रखा है इसने सिक्स फाइव, और बी वाला इसने बता रखा है माइनस फोर थ्री, ये बता रखा है। तो अभी हमें सेम वैसे ही निकालना है, इसमें भी हमें रिक्वायर्ड पॉइंट की जरूरत है, जीरो और वाई। पहले तो जीरो देखो ए पी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, फिर बी पी के बीच में, तो ए पी के बीच में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हमें सेम वही पीछे वाली चीज है, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ऐसे इन दोनों को इक्वल इक्वी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस में, तो ए पी इक्वल्स टू बी पी। तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी का स्क्वायर। अभी ए पी के बीच में डिस्टेंस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ये कितना बच गया, बी पी माइनस फोर माइनस सॉरी जीरो माइनस फोर का, अच्छा ये माइनस फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो देखो अभी इसको हम सोल्व करेंगे ना पूरे को, तो यहाँ से हमारी वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी नाइन। इनका कंप्लीट स्क्वायर खोलेंगे तो इनकी वाई की वैल्यू आ जाएगी नाइन। तो अभी वाई की वैल्यू नाइन आ गई और हमारे पास ये पॉइंट था, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या हो गया, जीरो और नाइन, ये हो गया। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए ए पी और बी पी में फिर से पुट करके देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी देखो यहाँ पे तो था ए ये और बी ये, यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू निकाल ली तो ये क्या आ गया, जीरो और नाइन। अभी ए पी और बी पी के बीच में फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए पी कितना हो जाएगा, जीरो माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस नाइन माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ गया, फिफ्टी टू आ गया। सिमिलरली ऐसे ही बी पी निकल आएगा, तो बी पी भी कितना आएगा, 52 आएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है ये बिल्कुल सही है, जीरो और नाइन वाला पॉइंट बिल्कुल सही आया, क्योंकि ए पी की डिस्टेंस कितनी आ रही है, रूट 52 आ रही है, और बी पी की भी कितनी आ रही है, रूट 52 आ रही है, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस सेम है। तो ये हमने सिर्फ सोल्यूशन के लिए चेक किया था, तो बस इसी ये हो गया। अगर इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, और अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, डिस्टेंस फॉर्मूला ये एग्जांपल करवाने का मेरा मोटिव बस सिर्फ यही था कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करना आ जाए। अभी इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो ट्राई करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करके देखते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके पूछना, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।